हेलो फ्रेंड्स, मेरी नई नई अपडेट चेक करने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए अगर और कोई वीडियो चाहिए होती हैं तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, और मेरी इन वीडियोस को पसंद करने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ लार्मर थ्योरम। जब भी हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजेस शुरू हो जाते हैं। वो चेंजेस क्या हैं? हमें ये बात तो पता होती है कि इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। जो उसका रिवॉल्यूशन है वो तो ऑलरेडी रहेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड में से रखेंगे तो उस ऑर्बिट्स में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, यानी कि वो अपने उसमें से चेंजेस, थोड़ा सा हिलना उसके मोशंस को एक नए रिजल्टेंट की तरफ दिखाई देगा। तो वहां पर वो किसी फ्रिक्वेंसी, अगर वो रोटेट करेगा अलग जगह पर तो उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। उस रोटेशन को हम कहेंगे लार्मर प्रिसीजन। उस फ्रिक्वेंसी के निकालने को तरीके को कहेंगे हम लार्मर थ्योरम। जो ये थ्योरम है ये एक्सप्लेन करती है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, यानी कि जो हमारे बेसिक लॉज हैं, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ, जिसमें क्लासिकल थ्योरी हो बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि चार्जेस के साथ डील करती हो, तो वो तुम्हारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि चार्जेस इन मोशंस के साथ डील करे तो वो क्लासिकल लॉज के साथ, तो वो हमारी क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बेसिक लॉज आते हैं, उनको फॉलो करेगी। उसके बाद दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पहले नहीं थी तो जीरो, और उससे ज़्यादा बढ़ती रहेगी तो हम ये कहते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए थे। तो वो चेंजेस सिर्फ रोटेशन एक फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, उसमें शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आता। जो उसकी नई फाइनल, मतलब उसमें शेप में और साइज में, इलेक्ट्रॉन की शेप में और साइज में कोई चेंज नहीं आता, बट बी इंक्रीज होती है। हाँ, बट जब हम वो नए जगह पर फ्रिक्वेंसी से रोटेट करता हुआ दिखेगा, जब बी को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो एक कॉन बनाएगा, जैसे ये कॉन बन रहा है ऊपर की तरफ, तो जो इस इलेक्ट्रॉन का प्रिसीजन है वो यहाँ से ऐसे रोटेशंस में ऊपर कॉन की फॉर्म में जाता रहेगा, जिसमें एम एल की वैल्यू 0 ± 1 ± 2, जो भी हमारी एल की वैल्यू होंगी प्लस माइनस एल तक चलती रहेगी। इसके प्रूफ के लिए हमें चाहिए चार्ज। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें चार्ज है, हमारे पास चार्ज किसी पर्टिकुलर रोटेशन हो रहा है, चार्ज में डायनामिक्स है तो मोशन में है चार्ज, तो उसकी वजह से करंट अराइज होगा। तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। हम टाइम को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन विलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पोजिशन के फॉर्म में, विलोसिटी पोजिशन अपॉन टाइम के फॉर्म में, तो वो आपके टाइम फॉर्म में चली जाएगी। तो पोजिशन, जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम रोटेशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, तो हमारी वो हो जाएगी टू, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी सर्कमफेरेंस 2πr, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वी, तो t इज इक्वल टू 2πr बाय वी होता है, इसीलिए 2πr बाय वी, तो हमारा करंट आ गया इस फॉर्म में। एरिया है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो हमें डायपोल मोमेंट होगी हमेशा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला करंट इंटू एरिया, तो ई वी बाय 2πr इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो चेंज हो जाएगा ई वी आर अपॉन टू। अगर हम मास से मल्टीप्लाई करें और मास से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इसमें चेंज कर देते हैं एम वी हो तो लीनियर मोमेंटम है, एम वी आर है तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हम कैपिटल एल से रिप्लेस करते हैं तो एल इज इक्वल टू एम वी आर। यहाँ पर मैं जो आपका एंगुलर मोमेंटम है उसे पी एल से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ई पी एल अपॉन टू एम की फॉर्म में आ जाएगा, तो ई म्यू एल बाय पी एल इज इक्वल टू ई बाय टू एम आ जाएगा। अगर यही सारी सेम चीज ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के लिए, इसीलिए एल की फॉर्म में दिखाया है, जो स्पिन क्वांटम नंबर के फॉर्म में आएगा तो म्यू एस अपॉन एस आ जाएगा, और जो स्पिन है वो पॉजिटिव प्लस हाफ और माइनस हाफ की फॉर्म में होती है, इसीलिए वो टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, टू ई बाय अपॉन टू एम। जब भी कोई डायपोल मूवमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। देखो भाई, ये तो कंफर्म है इलेक्ट्रॉन है, रिवोल्व कर रहा था, रिवोल्व करते करते उसके अंदर, उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा तो उसमें फोर्स भी लगेगा और उस फोर्स से हमें टॉर्क भी जनरेट होगा, तो उस टॉर्क को हम, जनरेशन को हम बात करेंगे तो डायपोल मूवमेंट पे अप्लाई होता है। तो जो आपका म्यू एल इंटू बी, म्यू एल क्रॉस बी होता है, तो म्यू एल बी साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें ये बात पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो टाऊ है वो परपेंडिकुलर टू पी एल होगा, जहां पर पी एल प्रिसाइज करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट रहेगा बट डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने ये कहा, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था
इलेक्ट्रॉन का रोटेशन था जिसकी वजह से टोर्क एग्जिस्टेंस में आया, और जिससे टोर्क की वजह से फाइनल पीएल ये था। जब फाइनल डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शंस तुम्हारी यहाँ पर अपर तरफ जाती है तो जो आपका रोटेशंस हैं वो एक कौन फॉर्म में जाएगा, तो इस फॉर्म में ऊपर जाएगा। जब रोटेशंस यहाँ पर हो रही हैं तो हम ये कहेंगे पहले कहीं इस पॉइंट पे था, उसके बाद वो चेंज होकर आगे जा रहा है इस सर्कुलर पार्ट में रोटेशन की फॉर्म में। ये जो आपका सर्कुलर पार्ट है इसमें रोटेट होना वो शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम पे हमने यहाँ पे कहा है, दूसरे टाइम के बाद यहाँ, क्योंकि जो प्रिसाइज करेगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो उसकी यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू होगी, यहाँ पर भी वैल्यू फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होती। तो जो आपका एंगल है वो चेंज हो रहा है, एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा इंटू टाइम में जो चेंज किया वो स्मॉल लिया है तो डी टी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन डायपोल मूवमेंट, क्योंकि हमारी जो रोटेशन है वो पी एल की फॉर्म में हो रही है, ये पी एल है, तो चेंज इन पी एल अपॉन पी एल साइन थीटा, क्योंकि जो एंगल होगा यहाँ पर उससे परपेंडिकुलर वाला पार्ट पी एल साइन थीटा बनेगा, तो आ जाएगा डी पी एल बाय पी एल साइन थीटा। ओमेगा एल की निकालेंगे तो डी टी यहाँ पर डिवाइड में, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम टू टाइम रेशो टोर्क होता है टाउ अपॉन पी एल साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपका टाउ है वो होता है म्यू बी साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, म्यू एल बी बाय पी एल, म्यू एल टू पी एल रेशो ई बाय टू एम है, हमने पुट कर दी बी, तो ओमेगा एल की फ्रिक्वेंसी जो आएगी लार्मर प्रिसिजन की वो आ जाएगी ई बी बाय टू एम। अगर ये एंगुलर है, लीनियर निकालनी है तो टू पाई म्यू होता है, म्यू की वैल्यू ई बी बाय फोर पाई एम आ जाएगी, जो हमें यहाँ पर रिजल्ट लिखा था सेम। तो थैंक यू फॉर टुडे, लाइक माई वीडियोज़, थैंक यू।